हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जनूबी कोरिया में है, शिमाली कोरिया को क्या पैगाम दिया जा रहा है और रियासत टेक्सस में होने वाली बदतरीन मैस शूटिंग क्या रोकी जा सकती थी, ये और इसके अलावा बहुत कुछ शामिल है आज के शो में। शुरू करते हैं व्यू 360। सऊदी वली अहद खत्ते को किस सम्त ले जा रहे हैं, पेशावर के मदारिस में खताती का मुकाबला, ला यरहमुल्लाह मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उन पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता, और दिल्ली में क्या खिचड़ी पक रही है। उस हिसाब से हमने सोचा कि कितना लेवल तक हम इसमें सॉलिड फूड डाल सकते हैं। शुरू करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे एशिया से, जिसमें आज उन्होंने जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सोल में सदर मून से शुमाली कोरिया के जंगी अजाइम रोकने पर बातचीत की। इस मौके पर सदर ने वहां अमरीका के सबसे बड़े फौजी अड्डे कैंप हम्फ्रीज का दौरा भी किया। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस फौजी अड्डे के दौरे का मकसद ये वाजे करना था कि अमरीका शिमाली कोरिया की जानिब अपना सख्त रवैया जारी रखेगा। दूसरी जानिब शिमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन भी ये वाजे कर चुके हैं कि उन्हें मुजाकरात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं। अमरीकी सदर शिमाली कोरिया के साथ क्या टोन अपना रहे हैं, उसे क्या पैगाम दे रहे हैं, इस बारे में हम तफसीलात लेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा डैनियल शर्फ से, जो इस वक्त जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सोल में हैं। डैनियल, फॉर मंथ्स प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन थ्रेटनिंग टू यूज मिलिट्री माइट अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, नाउ दैट ही इज ऑन द पेनिनसुला, व्हाट टोन हैज ही टेकन विद द नॉर्थ कोरियंस? Well, we have seen a bit of a change in tone from that fiery rhetoric that preceded President Trump's visit to Asia. He's been a little bit more diplomatic, using language that would be more fitting for meeting with his allies here in the region, and really focusing on deterrence and building up military might among those allies to essentially force North Korea to negotiate away its nuclear and missile programs. But he's still underscoring the possibility of military conflict in the future by saying that all options are on the table, which is something he's repeated a number of times, and that he hopes it doesn't come to that, but that North Korea is the one who needs to make the right decision. Mm-hmm. And his allies have repeated those similar sentiments as well during his trip. Okay. So, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये तो एक मरतबा फिर बावर करवाया कि वो शिमाली कोरिया के खिलाफ सख्त इकदाम उठाएंगे और उसमें फौजी जो हिकमत अमली है उसका भी अमल दखल बहुत होगा, लेकिन ये कहने के बावजूद सदर ने इस मरतबा जो टोन अपनाई है उसमें ज़्यादा एक दरमियाना रास्ता नज़र आ रहा है रिपोर्टर्स को, और ज़्यादा एक वो टोन अपनाई जा रही है जिसमें आप अपने जो हलीफ हैं उनको भी साथ लेकर चल सकें, क्योंकि इससे पहले जैसे कि हमने जिक्र भी किया सदर माजी में बहुत सख्त टोन उन्होंने अपनाया और नॉर्थ कोरिया को ट्विटर पर ख़ासतौर पर कई मरतबा धमकी दे चुके हैं कि उसे सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द साउथ कोरियन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मून, ही हैज मल्टीपल टाइम्स कॉल्ड फॉर एंगेजमेंट विद नॉर्थ कोरिया, व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज बीन सपोर्टिंग फॉर द लास्ट सेवरल मंथ्स। नाउ इन दिस मीटिंग डिड इट लुक लाइक प्रेसिडेंट ट्रंप एंड मून वर ऑन द सेम पेज और नॉट? You know, one thing that has been interesting to note on the Asia trip is that President Trump, at least a couple of times so far, has indicated that negotiation with North Korea is the way forward. He's mentioned that again today when he was meeting with President Moon, saying that he hopes the North Korean leader makes the right decision and comes to the table, which of course means negotiating. So although we're seeing this buildup of military might and deterrence and stressing the overwhelming military power of the United States and its allies to deal with North Korea if they have to, President Trump is also leaving open that window and urging North Korea to negotiate. Okay, so this is something that the South Korean president could also be on board with. Well, absolutely. The South Korean president and China have both been urging for there to be negotiations. Okay.
The ball is really in Pyongyang's court, and they have not been showing a readiness to sit down and negotiate. Okay. तो जहाँ तक ये बात है कि जनूबी कोरिया के सदर और अमरीकी सदर दोनों इस मामले पे शमाली कोरिया से डील करने के मामले पे एक ही पेज पर एक ही सफ़े पर हैं या नहीं, तो डैनियल शर्फिया कहते हैं कि इस मरतबा सदर ने जनूबी कोरिया जाकर ये ज़रूर पैगाम दिया है कि नेगोशिएशन यानी मुज़ाकरात में अमरीका की दिलचस्पी है। अमरीका चाहता है कि शमाली कोरिया के जौहरी अज़ाइम को मुज़ाकरात के ज़रिए रोका जा सके, और ये वही पैगाम है जो जनूबी कोरिया के सदर भी देना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल सदर ट्रंप ने जो मिलिट्री के ऑप्शन है उसको डिटरेंस यानी अपने दिफा के तौर पर तो अभी भी आगे पेश किया है, उसको आगे बढ़ाया है, लेकिन माजी के बरक्स इस मरतबा उन्होंने मुज़ाकरात की राह अपनाने पे की भी बात की, और साथ में ये भी कहा कि उनको उम्मीद यह है कि शिमाली कोरिया भी इस मामले में सही फैसला करेगा, यानी वो भी मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डैनियल, वी हैव सीन प्रोटेस्ट इन साउथ कोरिया, टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। Yeah, today President Trump was arriving in Seoul and heading to his meetings with President Moon. There were thousands of demonstrators on the street here demonstrating in support of President Trump and the United States and the U.S.-Korea alliance. There was also a couple small groups that I saw of anti-Trump protesters who were not happy with the U.S.-South Korea alliance, who wanted the U.S. military presence to be toned down significantly and for no more military rhetoric to be used in the context of North Korea. Mm-hmm. So there was certainly some of those protests going on, but an overwhelming amount of people out here showing support for mm-hmm. President Trump's visit and the relationship between South Korea and the United States in regards to North Korea. All right, तो इस वक्त सोल यानी जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में सदर ट्रंप की हिमायत और उनकी मुखालफत में मुजाहरे हो रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग उनकी हिमायत में आए हैं, और जो साउथ कोरिया और अमेरिका के दरमियान अलायंस है उसकी हिमायत में आए हैं, लेकिन लोगों की वो तादाद भी कुछ तादाद में वो लोग भी हैं जो साउथ कोरिया और अमेरिका के जो अलायंस बन रहा है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिका की जो मिलिट्री प्रेजेंस है और अमेरिका का जो मिलिट्री रेटरिक है कोरियाई जजीरा नुमा के मामले में वो कम हो, वो टोन डाउन हो। सो दोनों तरह के ही इस वक्त लोगों में जज्बात देखने में आ रहे हैं। थैंक यू डैनियल शर फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम सोल साउथ कोरिया। माय प्लेजर। और अमेरिकी रियासत टेक्सस में इतवार के रोज 26 अफराद को फायरिंग करके हलाक करने वाले शख्स के बारे में बहुत से परेशान कुन हकायक सामने आए हैं। ये न सिर्फ रियासत बल्कि मुल्क की हालिया तारीख की बदतरीन मैस शूटिंग्स में से एक है। तफ्तीश से पता चला है कि शूटर को हथियार खरीदने से रोका जा सकता था अगर अमरीकी फिजाइया उसके बारे में मालूमात फराहम करने में गफलत ना बरतती। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 26 साल टेवन कैली ने सन 2010 में अमरीकी फिजाइया में मुलाजमत अख्तियार की, मगर सन 2012 में उन्हें अपनी बीवी और बच्चे पर तशद्दुद करने की वजह से कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में वो एक साल तक जेल में रहे और गलत रवैये की वजह से मुलाजमत से फारिग होना पड़ा। टैक्सेस के महकमा पब्लिक सेफ्टी के अहलकार फ्रीमन मार्टन कहते हैं कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ससुराल वालों के साथ झगड़ा इस जुर्म का शाखसाना बना। एक असॉल्ट राइफल और 15 गोलियों से लदे मैगजीन चर्च में लाए बगैर भी उसके पास कई तरीके थे जिससे वो अपनी सास से निमट सकता था। मेरा ख्याल है कि वो यहाँ एक मकसद के साथ आया था। अमरीकी फिजाइया ने पीर को कहा कि वो हमला आवर के बारे में मालूमात FBI के डेटाबेस में शामिल नहीं कर सके जो उसे असला हासिल करने से रोक सकता था। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि नेशनल क्राइम इन्फॉर्मेशन सेंटर में उसके बारे में कोई ऐसी मालूमात नहीं थी जिससे पता चलता कि उसे असला खरीदने की इजाज़त नहीं। उसकी मुजरमाना तारीख के बारे में भी कोई ऐसी मालूमात नहीं थी जिससे मालूम होता कि वो असला खरीद नहीं सकता। एयर फोर्स ने कहा है कि उसने डेविन के केस पर नज़रसानी का हुक्म दिया है और कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ऐसे तमाम केसेस बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किए जाएं। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार के रोज़ रियाद के हवाई अड्डे पर यमन के हूसी बागियों के मिज़ाइल हमले को ईरान की तरफ से खुला जारहाना इकदाम करार दिया है। इस बयान के बाद खत्ते में तनाव मजीद बढ़ने का खदशा है। यमन में लड़ने वाले सऊदी अस्करी इतिहाद ने यह कहकर सरहदें बंद कर दी हैं सऊदी अरब और यमन के दरमियान के इसका मकसद हूती बागियों तक हथियारों की फराहमी रोकना है। तहम अक़वामे मुत्तहिदा ने सऊदी अरब पर जोर दिया है कि वह सरहद का कुछ हिस्सा खोले ताकि जंग और कहत से मुतासरा यमनी अवाम तक खुराक और अद्वियात पहुँचाई जा सकें। यमन में 2014 से जंग जारी है जिसे सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक प्रॉक्सी वॉर करार दिया जाता है।
यमन के आला अहदेदारों के मुताबिक सदर अब्दुल रब्बू मंसूर हादी उनके बेटों और आला अहलकारों को कई माह से सऊदी अरब से वापस अपने मुल्क जाने नहीं दिया जा रहा। लबनान के वज़ीर आज़म साद हरीरी ने भी हाल ही में सऊदी क़यादत से मुलाकात के बाद अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान रियाद से करके सबको हैरान कर दिया। फिर सऊदी अरब की क़यादत में कतर का बॉयकॉट कई माह से जारी है, तो सऊदी अरब खित्ते को किस सिमत ले जा रहा है, इस बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर मुख्तदर खान से, जो कि डेलावेयर यूनिवर्सिटी में मुस्लिम दुनिया के उमूर और अमरीकी खारजा पॉलिसी के माहिर हैं। डॉक्टर मुख्तदर, वेलकम टू व्यू 360। सऊदी अरब ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, ये तो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी मुल्क सऊदी अरब से कितना प्रेशर ले सकते हैं इस इशू पर, खासतौर पर जैसे हमने लबनान का केस देखा है? देखिए, सऊदी अरेबिया बेसिकली दो चीज़ों के खिलाफ कोशिश कर रहा है कि एक तो ईरान का जो इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में बढ़ रहा है, ईरान का इन्फ्लुएंस सीरिया में है, इराक में है, लेबनान में है, यमन में है, तो वो बिल्कुल अगर आप देखें वो सारे मुल्क सऊदी अरेबिया के अतराफ है, तो सऊदी अरेबिया अपने आप को ईरान के घेराव में आते हुए देख रहा है, तो वो चाह रहा है कि वो सऊदी ईरान को बेसिकली पुश बैक करे, ईरान के जो एसेट्स हैं इन सारे मुल्कों में वो ख़त्म करे। दूसरी चीज़ ये है कि सऊदी अरेबिया जो 2011 में अरब स्प्रिंग हुआ था वो उससे अभी भी परेशान है कि जो अरब वर्ल्ड में जो डिसकंटेंट है वो सऊदी अरेबिया में भी फैल सकता है, इसलिए उन्होंने इजिप्ट के साथ मिलकर मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे ग्रुप्स के खिलाफ काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर डाला है और अपने मुल्क में भी कोशिश कर रहे हैं कि वो रिफॉर्म्स लाए, तब्दीलियाँ लाए, ताकि पब्लिक में जो डिसकंटेंट है वो ख़त्म हो जाए। इससे पहले कि हम सऊदी अरब में जो इंटरनली जो कुछ रिफॉर्म के मेजर्स लिए गए उनकी बात करें, मैं लबनान के बारे में थोड़ा सा और आपसे जानना चाहूँगी। बहुत नाजुक है वहाँ पर ताकत का तवाज़ुन, वहाँ पावर शेयरिंग हो रही है। अब जब साद हरीरी ने रियाद में बैठ के अपने इस्तीफे का ऐलान किया और उसके बाद वो यूएई चले गए हैं, तो लबनान क्या आपको किसी नए पॉलिटिकल कह लीजिए कि गैर इस्तेहकाम की जो सूरत हाल, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल की जाने बढ़ता नज़र आ रहा है? जी नहीं, देखिए लेबनान में जो हिजबुल्ला का इन्फ्लुएंस है, डोमिनेशन है, वो बढ़ता ही जा रहा है। ना सिर्फ वो गवर्नमेंट में इन्वॉल्व है बल्कि जो करंट प्रेसिडेंट है मिशेल ऑन, वो भी काफ़ी हामी है, सपोर्टर है हमास के, हिजबुल्ला के। तो जो सऊदी अरेबिया ने जो कोशिश की, ये जो हरीरी का जो रेजिग्नेशन है, बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि ये हिजबुल्ला से ताल्लुक़ कम और जो हरीरी एंटरप्राइजेस है सऊदी अरेबिया में इंटरनल, जिसमें करप्शन का के ताल्लुकात है, जो मिनिस्टर्स करप्शन के तहत अरेस्ट हुए हैं उनके काफ़ी कनेक्शंस है इस बिज़नेस के तौर पे, इसलिए बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये जो रेजिग्नेशन हुआ है हरीरी का, ये सऊदी अरेबिया के डिमांड पर हुआ है। हरीरी अभी भी सऊदी अरेबिया में है और कई एनालिस्ट जिनमें से मैं भी हूँ जानना चाहते हैं कि वो वहाँ पर वॉलंटरीली हैं या उन्हें रोका गया है। राइट, अच्छा, यमन की अगर बात करें, 2014 से जंग जारी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि वाशिंगटन डीसी की जानिब से सऊदी अरब पर कोई खास प्रेशर नहीं डाला जा रहा इस जंग को ख़त्म करने के लिए, बल्कि जो आर्म्स के, जो हथियारों के डील्स थे उनको मामूल के मुताबिक उनको आगे बढ़ाया गया है, नए वेपन्स की सेल हो रही है, तो इससे क्या जाहिर होता है? वाशिंगटन डीसी क्या फुली सऊदी अरब को सपोर्ट कर रहा है इस वक्त उसके जो खत्ते में पॉलिसीज़ हैं उनको लेकर? देखिए, सदर ओबामा जब इंचार्ज थे तब उतना सपोर्ट नहीं था सऊदी अरेबिया को, लेकिन जब से प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में आए हैं, जब से सऊदी अरेबिया और अमेरिका के ताल्लुकात काफ़ी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट पिछले हफ्ते जारेड कुशनर ने भी एक खुफिया सा ट्रिप किया सऊदी अरेबिया, जिसके बाद से आप देख रहे हैं ये काफ़ी तब्दीलियात आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका के लिए मिडल ईस्ट में जंग हमेशा फ़ायदेमंद होती है और हथियार बेचने में इनको काम मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया दोनों चाहते हैं कि ईरान का जो मिडल ईस्ट में रोल हो वो कम हो जाए, ईरान को का जो इन्फ्लुएंस है उसको वो कंटेन किया जाए। तो अगर सऊदी अरेबिया ईरान के प्रॉक्सीज़ को, जो हुतीज़ हैं यमन में, अगर उनको कमज़ोर करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो ईरान का एक हाथ कमज़ोर हो जाएगा। आपने सदर ट्रंप की सपोर्ट की बात की सऊदी शाही ख़ानदान के लिए, हमने देखा कि अभी जो करप्शन के बारे में जो क्रैक डाउन हुआ है वहाँ पे, उस पे सदर ट्रंप ने ट्विटर पे ये कहा कि वो जो सऊदी फरमा रवा हैं शाह सलमान और उनके बेटे वली अहद दोनों की हिमायत करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस है उनमें, लेकिन ये तासुर भी मिल रहा है कि जो वली अहद ने किया है उससे वो ताकत सारी अपने हाथ में कंट्रोल करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पिछले फरमा रवा थे शाह अब्दुल्ला, उनके साहबजादों और उनके सपोर्टर्स को इस क्रैकडाउन में किया गया है, अरेस्ट किया गया है, उनको डिटेन किया गया है, तो क्या फ्यूचर आपको नज़र आता है सऊदी अरब में पावर का, किसके पास है अब?
अगर आप ये देखें, अगर आप जिन मिनिस्टर्स को इन्होंने अरेस्ट किया और डिटेन किया हुआ है, और फिर प्रिंस अल वलीद को भी, जो पॉलिटिकली और कल्चरली किंग सलमान के जो रिफॉर्म्स हैं, और ख़ासतौर से उनके बेटे जिनको MBS कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो रिफॉर्म्स हैं उनसे वो बिल्कुल मुत्तफिक थे। लेकिन जो मोहम्मद बिन सलमान का सपोर्ट बेस है वो रॉयल फैमिली के अंदर नहीं है, लेकिन स्ट्रीट पर काफ़ी सपोर्ट है, यानी यंग सऊदी मेल्स उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक पहली बार ऐसी सूरत हाल आई है कि जो किंग है और क्राउन प्रिंस है उनका सपोर्ट रॉयल फैमिली में कम, पब्लिक में ज़्यादा है। पब्लिक में ज़्यादा हो रहा है, ठीक। वो रॉयल फैमिली के जो शख्स उनके खिलाफ हैं, उनके एजेंडा को अपोज करते हैं, उनके पावर कंसोलिडेशन को चैलेंज करते हैं, वो उनके खिलाफ ये बड़ी कहिए कि सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू की है ताकि वो रॉयल फैमिली के अंदर भी पावर कंसोलिडेट कर लें। वली अहद की हमने बात की, मुख्तसरन ये बताएगा, उन्होंने अब ये कहा कि जो हूती रेबल्स ने जो अटैक किया, एक मिज़ाइल फेंका इसकी रियाद के एयरपोर्ट की जानब, वो ईरान की तरफ से एक खुला इकदाम है, एक जारहाना उसको करार दिया, उसको जंग का पेशखीमा करार दिया। आपकी नज़र में क्या अब सूरत हाल ऐसी हो सकती है कि डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, अब जबकि एक बहुत यंग बंदा है, उसके हाथ में है पावर बहुत ज़्यादा सऊदी अरब में? अगर ईरान और सऊदी अरेबिया का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो सऊदी अरेबिया वो जंग हार जाएगी। तो ये सऊदी अरेबिया तो नहीं चाहती कि वो डायरेक्ट, वो चाहती है कि अमेरिका का मदद हो, इजराइल का मदद हो, तब वो इन सब के साथ मिलकर ईरान को कन्फ्रंट करने की कोशिश करेगा। तो प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं लेकिन उससे ज्यादा मामले को नहीं बढ़ाना चाहते। हाँ, बिल्कुल, वो मुल्कों के साइज में बहुत फर्क है। ईरान में 80 मिलियन लोग है, सऊदी अरेबिया में तकरीबन 1000 से ज्यादा, अगर आप इमिग्रेंट्स को निकाल दें तो 30 मिलियन है। उनकी फौज काफ़ी स्ट्रांग है और वो फाइटिंग फोर्स है। सऊदी अरेबिया की फ़ौज ने कोई जंग पिछले 100 साल में लड़ी नहीं है कोई मजबूत मुल्क के साथ। तो ये जंग डायरेक्ट तो नहीं होगी, ये प्रॉक्सीज के थ्रू ही होगी और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर पे चलेगा। लेकिन टेंशन का माहौल जो है वो अपनी जगह पे रहेगा। डॉक्टर मुख्तार खान, आपके वक्त का और आपके इनसाइट का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और जनाब, दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। कल यानी 8 नवंबर को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन को एक साल मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोच रहे हैं ये हम आपको कल के शो में दिखाएंगे। हमारी वेबसाइट urdubia.com पर आप ताज़ा तरीन खबरों और बहुत से दिलचस्प वीडियोज़ और फीचर्स के लिए आ सकते हैं। पिशावर के मदारिस के बच्चों का टैलेंट और खिचड़ी पकाने का आलमी रिकॉर्ड, ये सब भी हम लेके आएंगे प्रोग्राम में कुछ ही देर में। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मिलने वाली कुछ अहम खबरों की झलकियाँ वर्ल्ड व्यू में। काबुल में एक टीवी स्टेशन पर खुदकुश हमला आवर और मुसल्ला अफराद के हमले में कम से कम 2 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए हैं। हमला आवरों और सिक्योरिटी के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाइस इलाके को लोगों से खाली करवा लिया गया। दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पापुआ न्यू गिनी की सुप्रीम कोर्ट ने जजीरे में वाके एक ऑस्ट्रेलियन हरासती मरकज में महसूस 600 से ज्यादा पनाह गुजीनों की जानिब से कैंप में पानी और बिजली की तरसील की बहाली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस मरकज की बंदिश के ऐलान के बाद से यहां मौजूद ऑस्ट्रेलिया में पनाह के दरख्वास्त गुजारों ने यहां से निकलने से इनकार करके एहतजाज जारी रखा हुआ है। लाइबेरिया की सुप्रीम कोर्ट ने अपोजिशन जमात की जानिब से धांधली के इल्जाम के बाद सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए वोटिंग गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वोटिंग के पहले मरहले में धांधली के इल्जाम की शिकायत को दूर किया जाए। जापान की बहरिया का कहना है कि जापान और भारत के 4 बहरी बेड़ों ने इलाके में अमरीका के सबसे बड़े बहरी बेड़े USS रोनल्ड रेगन के साथ 3 रोजा जंगी मशकों में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान में दीनी मदारिस को अक्सर की जड़ करार दिया जाता है, लेकिन माहरीन का ये भी कहना है कि इन्हें जदीद उलूम से हम आहंग करके और इनके तालिब इल्मों को सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका देकर शिद्दत पसंद नजरियात को पनपने से रोका भी जा सकता है। पिशावर में पहली बार मदारिस के तालिब इल्मों के दरमियान खताती का मुकाबला मुनक्किद किया गया है। आइए देखते हैं उमर फारूक की ये रिपोर्ट। पिशावर में खैबर पख्तूनख्वा और फाटा में शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम पीस एजुकेशन और डेवलपमेंट फाउंडेशन और अक़वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ के तावन से फन खताती के फनपारों की नुमाइश हुई। तकरीब की खास बात ये थी कि नुमाइश में पेश की गई तमाम पेंटिंग्स मुख्तलिफ मदारिस में पढ़ने वाले तलबा ने बनाई थी। हम
خطاطی میں جو لکھتے ہیں نا اس میں ایسے احادیث ہوتے ہیں کہ وہ ساری دنیا کی بھائی کا پیام دیتے ہیں اور اسلام کی اسلام دین جو ہے نا یہ امن والا دین ہے، یہ پیغام اس احادیث میں ہوتے ہیں اور ہم اس دنیا والے کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام امن والا دین ہے۔ یہ لا يدخل الجنة قطات، اس کا ترجمہ ہے کہ چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ ان پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ نمائش میں پشاور کے علاقے نمک منڈی، پخا غلام اور گجر آباد ہزار خانی کے تین مدارس میں زیر تعلیم 25 طلبا نے حصہ لیا اور اپنے فن کے اظہار کے لیے خط نستعلیق، خط ثالث اور خط نسخ کا استعمال کیا۔ اور پھر ان کے اساتذہ کو دیکھ لیں، پاکستان میں، باقی دنیا سے میں اتنی خبر نہیں رکھتا، لیکن پاکستان میں جیسے ہمارے بڑے بزرگ گزرے ہیں سید نفیس الحسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح کے دوسرے خطاط حضرات جو ان سب کے اساتذہ ہیں وہ مدارس کے پڑھے ہوئے تھے، تو ایز کمپیئر ٹو اسکول کالجز اس فن میں تو مدارس آگے ہیں۔ پیس ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی ترجمان کا کہنا ہے کہ مدارس کے طلبہ ہر قسم کے علوم سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ مدرسوں کے بچوں تک اعتراض تو ہم بہت کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بہت مختلف ہیں، لیکن ہم نے ان کو مین اسٹریم کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی، تو اس کے ذریعے ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مدرسے کے بچے کو صرف قرآن پڑھنا اور رٹنا آتا ہے، بلکہ ایک ایسی سکل اور ایک ہنر ان کے پاس آ جائے جس سے وہ دنیا کے پاس امن کا، محبت کا، پیار کا پیغام لے کر جائیں۔ دنیا بھر میں جہاں مدارس کو دہشت گردی کے مراکز کے طور پر دیکھنے کا تاثر عام ہے، وہاں پشاور کے یہ طلبہ دنیا کے سامنے اپنے تعلیمی اداروں کا ایک مثبت تاثر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ اور جنوبی ایشیا کی جانی پہچانی ڈش کھچڑی دلی کے دسترخوانوں سے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں آ گئی ہے۔ دلی میں 30 باورچیوں نے تقریباً 1 ٹن کھچڑی پکا کر ایک عالمی ریکارڈ جو قائم کیا ہے۔ کھچڑی کی اتنی اہمیت، تفصیلات رتل جوشی سے۔ سیاسی ہو یا سماجی، دلی کے انڈیا گیٹ کے لانچ پر کوئی نہ کوئی کھچڑی ہمیشہ پکتی رہتی ہے، لیکن یہ والی کھچڑی براہ راست تاریخ کے صفحات میں درج ہو گئی۔ بھارت کے سب سے بڑے گلوبل فوڈ ایکسپو ورلڈ فوڈ انڈیا میں بننے والی اس ریکارڈ توڑ کھچڑی کو تیار کرنے کا پروسیس بہت پہلے شروع ہو گیا تھا۔ اس میں قریب قریب 25 دن تک گئے ہمارے، اینڈ رائٹ فرام ڈیزائننگ آف دا ویسل کی ڈرائنگ پہ بنایا، اٹس اے ٹرنکیٹڈ کون، اس کی والیوم کو فارمولا کے ساتھ کیلکولیٹ کرا گیا ہے کہ اس میں کتنا پانی ٹاپ تک آئے گا، اس حساب سے ہم نے سوچا کہ کتنا لیول تک ہم اس میں سالڈ فوڈ ڈال سکتے ہیں۔ اس کھچڑی کو بنانے کے لیے بھارت کے مشہور شیف سنجیو کپور کی ٹیم نے 125 کلو چاول، 45 کلو مونگ کی دال اور کئی کلو جوار اور باجرے جیسے دوسرے اناج کا استعمال کیا۔ اسٹیج پر موجود بھارتی وزیر اور معروف یوگ گرو بابا رام دیو سے لے کر میڈیا کی بھیڑ تک سب انتظار میں تھے کہ کب یہ کھچڑی تاریخ کا حصہ بنے۔ ایک کرین کی مدد سے اٹھا کر کھچڑی کو تولا گیا، وزن نکلا 918 کلو، یعنی کہ ورلڈ ریکارڈ۔ This is the Guinness World Records for the largest serving of beans and rice. بھارتی وزیر کے مطابق اس کھچڑی کا پورے جنوبی ایشیا میں کوئی مقابلہ نہیں۔ This particular khichdi has got all the 7 ancient super grains of India which has been put into it, and this is something, these grains are grown in that soil giving that flavor and taste, cannot be in the soil of either Nepal or پاکستان اور اینی ادر کنٹری۔ اس کھچڑی میں ٹیسٹ فرق ہے جو ہماری کھچڑی میں نہیں آتا ہے، ہم خالی چاول اور اس کی دال کی بناتے ہیں، اس میں باجرہ بھی ہے اور کچھ اور بھی ہے جو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہی۔ کھچڑی کے چار یار، گھی، پاپڑ، دہی اور اچار۔ تو کھچڑی تو ایسا ہے کہ آپ گھی کے ساتھ کھاؤ گے الگ سواد آئے گا، اچار کے ساتھ کھاؤ گے الگ سواد آئے گا، آپ پاپڑ کے ساتھ کھاؤ گے الگ سواد آئے گا۔ کھچڑی کو ایک سپر فوڈ کے طور پر بھارت کے لوگ قبول کرتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن اس ایونٹ کے نام پر کھچڑی کو لے کر ایک زبردست بز کریٹ ہوا۔ یہ بات الگ ہے کہ کھچڑی پر مچی ہلچل نے اس ایونٹ سے ہی لوگوں کا دھیان ہٹا دیا جس کے پروموشن کا وہ حصہ تھی۔ ورلڈ فوڈ انڈیا ایکسپو بھارت کی فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری کو ترقی دینے کے مقصد سے آرگنائز کی گئی۔ کھچڑی کو بھارتی سپر فوڈ کا درجہ دینا اور ورلڈ ریکارڈ بنانا اس کی پبلسٹی کا حصہ تھے۔ رتل جوشی، اردو وی او اے، دلی۔
मज़ेदार खिचड़ी के साथ खत्म करते हैं आज के व्यू 360 को। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।